हेलो टूल रूम फैमिली, कैसे हो आप लोग? आई होप सब लोग बिल्कुल मस्त हो गए। सो गाइस, आज की इस वीडियो हम लोग बात करने वाले, मेरे पास एक सैंपल आया हुआ था, उस सैंपल का हमने टूल बनाया। जब हमने टूल बनाया तो हमने देखा यार कि ना सैंपल देखना, चलो पहले सैंपल दिखाता हूँ यार, मुद्दे पे आता था ना सीधे सीधे। ये है आपके सामने सैंपल जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो। यहाँ पे देखो, मैं इसको निकाल के दिखाता हूँ। ये आप सैंपल देख रहे हो, ये सैंपल है। अभी आप सोच रहे हो क्या अमर भाई इतनी बड़ी डाई बनाई होगी ये, क्या ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत सैंपल सी छोटी डाई बनी, मतलब बहुत छोटी भी नहीं है, लेकिन उसमें काम बड़े तरीके से हो रहा है। ये हमारे पास सैंपल आया हुआ है, सैंपल के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँ। यहाँ पर ध्यान से देखना क्या मोटी मोटी बर है, अगर इसमें जरा से भी देख पा रहे हो ना भाई साहब, ये देख रहे हो क्या मोटी मोटी बर देख रहे हो, इतनी मोटी मोटी बर इसके अंदर है कि हाथ लगा ही नहीं सकते। यहाँ पर देखो इतनी मोटी मोटी बर आई हुई है, मतलब जो डाई पहले बनी हुई है, या हो सकता है वो ख़राब हो गई हो, या फिर हो सकता है कि वो ज़्यादा घिस चुकी हो, जैसा भी रहा हो, लेकिन हमने जो टूल बनाया हो उसका रिजल्ट देखना ज़्यादा जरूरी है, और उसमें वर्किंग कैसे हो रहा है ये भी जानना जरूरी है। और ये मुझे जो लगता है कि आपका, तो क्या पता आप इसको फैब्रिकेशन काम में, ग्रिल वगैरह, गेट वगैरह में भी यूज कर पाओगे शायद, बाकी कहीं पर भी लग रहा हो, लेकिन ये जरूरी है भाई अगर हमने टूल बनाया तो किस तरीके से बनाया हुआ है, उसके बाद उसका रिजल्ट कैसे निकल रहा है ये जानना ज़्यादा जरूरी है। फिलहाल ये सैंपल है, इसको मास्टर पीस मान के हमने डाई बनाई हुई है। अगर मैं टूल के बारे में बात करूँ तो टूल हमारे पास, हमसे कहा गया भाई ओपन टूल बनाया जाए, तो हमने ओपन बनाया। अगर रिक्वायरमेंट होती पिलर सेट, हम पिलर सेट बनाते हैं। फिलहाल ये टूल है आपका, अभी इसी टूल को हम यहाँ पर ट्रायल करके देखने वाले हैं कि भाई ये टूल का रिजल्ट किस तरीके से निकल कर आता है। यहाँ पर हमारी सीट तैयार पड़ी हुई है, और इसमें सीट जो हमने यूज किया है वो 1.5 mm की थिकनेस में सीट को यूज किया हुआ है, और जो हमारी पावर प्रेस है वो यहाँ पे 30 टन की है। इसी मशीन से इसी सीट को इसी डाई से हम काटेंगे, लेकिन जो प्रोफाइल वहाँ पे आपने देखा होगा ना, ऐसे बनी रही थी, ऐसे से बन रही थी, वो प्रोफाइल इसके अंदर बननी चाहिए। तो चलिए एक बार ट्रायल करके पूरा रिजल्ट निकाल के देख लेते हैं, और इस डाई के अंदर जैसे जैसे हमने काम कर रखा, जो काम कर रखा थोड़ा उसके बारे में डिस्कस जरूर करूंगा मैं। तो अभी यहाँ पे देखोगे दीपक भाई है, अभी हमें यहाँ पर टूल को ट्रायल करके, यानी कि डाई को लगाकर दिखाएंगे, सारी जानकारी शेयर भी करेंगे। इसके अलावा जो हमारे पास कुछ टूल हैं आप देख रहे होंगे यहाँ पर, ये टूल सारे हमारे पास पूरी कंप्लीट हो चुके हैं, मतलब हम लोग ट्रायल भी कर चुके हैं, इसको भी ट्रायल कर चुके हैं। ये पैकिंग पड़ा हुआ है, ये ओपन टूल है, ये सारे सारे टूल यहाँ से जाने के लिए तैयार हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये सारे बॉक्स इनके आ चुके हैं, इन बॉक्सों में पैकिंग होकर के यहाँ से जाएंगे। तो चलो फिलहाल अपना ट्रायल करके दिखाओ कैसे वर्किंग होता है, किस तरीके से पे काम करने वाले हैं। ठीक है, पहले स्टेप में अपना यहाँ पे पंचिंग हो गई है। ठीक है, आगे बढ़ गया। ठीक है, एक बार आप दिखाओ पहले, देखिए अगर मैं चाहूँ तो फटाफट पहले पीस को यहाँ पर निकाल लूँगा, निकालने फाइनल बता दूंगा जो निकल गया, लेकिन आपको प्रोसेस समझ में नहीं आएगा कि भाई इसमें काम हुआ क्या। इसमें देखोगे ना, सबसे पहले यहाँ पर दो पंचिंग हो रही है, एक पंची और एक पंची ये हो रहे हैं, ध्यान से देख लेना, ये दो पंच हो रहे हैं। पहले ये दो पंच हो जाएंगे, इसके आगे बढ़ेगा, यहाँ पर दो पीने दी गई हैं अंदर, अगर मैं दिखा पाऊँ तो पॉसिबिलिटी हो तो। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा अंदर, देखो यहाँ पे दो पीने हैं, जैसे आप ये देख पा रहे हो ना, ये दो पीने दी गई हैं। तो जब पंच हो जाएगा तो आगे जाकर पिन फंस जाएगा, पिन फंसने पर फिर आगे से वर्किंग होना चालू हो जाएगा। ठीक है, बाय द वे अगर हम यहाँ पे पिन नहीं देते या फिर पंच नहीं करते ना, उससे दिक्कत ये आती है। मान लो अगर ये सीट है बिल्कुल फिक्स साइज की तो आएगी नहीं, कभी कम या कभी ज़्यादा भी हो सकती है। अगर ये कम हुई तो जब आप ऐसे काटोगे तो ऐसे ऐसे हिल के आउट हो जाएगी, मतलब हो सकता है कहीं कम कटे कहीं ज़्यादा कटे। अगर पिन के रेफरेंस से चलेगा तो बिल्कुल सही आएगा पीस। ठीक है, तो चलो अभी आपने देखा होगा सबसे पहले यहाँ पर पंचिंग हुई थी, फिर ये आगे यहाँ पर आ गया था, अभी आ गया था, और आगे स्टार्टिंग में थोड़ा सा इतना ख़राब तो होना ही होना है, यहाँ तक कि जो उनका सैंपल था, जो हमने सैंपल देखा था ना, मैं सैंपल दिखा देता हूँ आपको। सैंपल में देखो यहाँ पर ये पीस यहाँ से ऐसे कटेगा, चाहे इधर से आप चेक करो उधर से भी कटेगा, क्योंकि ये स्टार्टिंग पॉइंट से इतना कट के इसके बाद से चालू हो जाएगा। सेम चीज़, सेम यही चीज़ आनी है वहाँ पर भी। तो चलो अब आगे पूरा करके दिखाओ, एक बार पूरा कंप्लीट निकालो। उसी को ना आगे बढ़ाते चले जाओ ना, बार बार निकाल क्यों रहे हो, बढ़ाते चले जाओ बार बार। आप देखोगे इसके अंदर यहाँ पे एक होल है, ये जैसे ये यार रुको एक, ये यहाँ पे होल है, तो जो ये वाला होल है ना इसके अंदर माउंट हो जाएगा, जैसे अब यहाँ माउंट हो गया अपने आप हो जाएगा वो, आगे बढ़ाते हैं आपके। चलो आगे बढ़ाते जाओ,
सो अभी आपने देखा ना, जैसा आप इसको बढ़ाते जाएंगे, ये आगे देखो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर दो पंच हो रहा, आगे जाकर के पायलट हो जाता है, फिर ये कटिंग हो जाता है और आगे जाकर के पायलटिंग हो रहा है। ये ऐसे पायलटिंग होते हुए चला जाएगा। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर पंच करना, ये पिन डालने की इसकी ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन समस्या तब आपको जब आ जाएगी जब आप यहाँ पर मान लीजिए पीस काट रहे हैं, ठीक, आपने पीस लगाया, आपका ये पीस कटा, जब आगे की तरफ बढ़ा, आपसे अगर ऐसा हिल गया ये, तो हो सकता है कि यहाँ पर आउट कट जाए या फिर यहाँ से आउट कट जाए, क्योंकि सीट डाल जरूर तो आएगी नहीं। अगर एक आते हैं 0.5 को कुछ भी फर्क आया, हल्के से भी ऐसे हुए, तो ये आउट कट जाएगा क्योंकि प्रोसेस में कट रहा है, मतलब यहाँ पर कटिंग हुआ, हो सकता है यहाँ पर आके फर्क पड़ जाए हिलने की वजह से। लेकिन जब वो पिन के सहारे चलेगा, जैसे मान लीजिए अगर जैसे अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसकी चौड़ाई कम है, अगर इसकी चौड़ाई ज़्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर होल को मास्टर मान करके अंदर के प्रोफाइल कट रही है, तो इसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी, चाहे जैसा भी सीट रहे, कम भी रहे ज़्यादा भी रहे, बस इतनी चौड़ाई रहनी चाहिए कि ये इसकी पंचिंग कर ले और ये चीज़ आपका यहाँ पर स्क्रब में कटता हुआ चला जाएगा। अब आप इसको चाहे जितनी लेंथ में चाहो उतनी लेंथ में लंबाई में काट सकते हो। पीछे की साइड में बात करते हैं, इसमें बर वगैरह तो नहीं आ रही है, ठीक ठाक पीस है, कोई दिक्कत नहीं, जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, और ये इस तरीके से ऐसे करता हुआ चला जाएगा, ठीक है। तो सबसे आसान तरीका ही है, लेकिन देखिए समस्या ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर मान लो आप डाई बना ही रहे हो, तो जैसे मैंने एक डाई उससे पहले बनाया हुआ था, तो यहाँ पर मैंने पिने इसलिए पंच दे दिया कि आगे पायलटिंग करके चले, हिलता नहीं रहेगा। और ये देख रहे हो पूरे पूरी अपनी ये टॉप प्लेट है, ये पंच की बैक प्लेट है, ये पंच प्लेट है, ये पंच हो गए, ये आपकी गाइड प्लेट है, और ये यहाँ पे साइड प्लेट है, ये डाई प्लेट है, और यहाँ पर अपना बेस है। और एक ज़रूरी बात आपको और बताना चाहूँगा कि भाई यहाँ पर देखो, हमने जैसे अगर देखो ज़्यादातर गाइड प्लेट जो होती है ना, जैसे ओपन टूल होता है, तो सीधा इसके अंदर से पंच इसके अंदर आ जाता है, लेकिन यहाँ पर दो पिने भी दी गई है ताकि पहले पिन आए इसके अंदर गाइड होकर के, फिर पंच उसमें काम करता रहे। तो ये इस तरीके से यहाँ पे काम करेगा। और आगे की तरफ देखोगे तो यहाँ पर पिन है, इस पिन में से मिलाकर इसको चलाते हुए आप चले जाएंगे। सो फाइनली टूल रूम फैमिली, अपना जो कंपोनेंट है कुछ इस तरीके से अपना निकलता हुआ चला जाएगा। इसको आपको जितने आगे तक बढ़ाना, आगे तक बढ़ाते हुए चले जाओगे। डाई ओपन बनाई हुई है, आप चाहो तो इसको प्लस साइड में बनवा सकते हो। देखो मेरा कहना क्या होता है कि भाई सामने वाले जैसे रिक्वायरमेंट होगी मैं टूल वैसा ही बनाता हूँ, हालांकि उनको दोनों चीज़ें बता देता हूँ, और यहाँ तक वीडियो बनाकर भी बताया हुआ कई बार कि भाई पिलर सेट में अगर डाई बनवाते हैं, ओपन टूल बनवाते हैं, दोनों में प्राइस का भी डिफरेंस आता है, उसके साथ क्वालिटी का भी डिफरेंस आता है। अगर आपको एक्सपीरियंस है चलाने का तो आप इस तरीके डाइयों को लीजिए, नहीं है एक्सपीरियंस है तो आप ये पिलर सेट के साथ जरूर जाइएगा। तो आपको यहाँ पर मैंने सारी चीज़ बता दी। अगर इस डाई के अंदर मैं कोई कमी बताऊँ जो मुझे लगती है कि भाई होना चाहिए था, वो है बेस। बेस प्लेट इससे थोड़ा सा मोटा और होना चाहिए था, हालांकि बेस कम नहीं है। अगर वैसे देखते हो तो आप सोचोगे नहीं यार हमारे भाई कम लगा दिए, कम नहीं लगाया, लेकिन इससे मोटा भी कर देते तो कोई दिक्कत नहीं आती, यानी कि अगर मालिक 40 की है, 50 की होती तो भी कोई दिक्कत नहीं आती, हालांकि 40 भी इनफ है। इनफ इसलिए है क्योंकि ठीक ठाक से यहाँ पे जगह है और डाई प्लेट को मोटी ली गई है, मतलब वो सारी चीज़ सोची गई। लेकिन हाँ, एक प्लस पॉइंट था, एक नेगेटिव पॉइंट हमारे लिए ये है कि इसको अगर हम और मोटा करते देखने में और अच्छा लगता, वर्किंग के लिए इनफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपके सामने इसको हमने इस तरीके से निकाल दिया है। अगर इस तरीके का भी कोई कंपोनेंट है आप बना सकते हो, इसके ऊपर मैंने एक बार वीडियो और बनाया था जहाँ पर मैंने बताया था किस तरह प्रोसेस काम कर रहा, सेम उसी प्रोसेस के साथ ये भी यहाँ पर काम कर रहा है। फिलहाल आप इस वीडियो के लिए एक लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, इससे पहले जाकर वीडियो को देखिएगा जहाँ पर हमने 16 mm मोटी सीट की थिकनेस में पंचिंग होल मतलब पंचिंग किया था। उससे पहले अगर आप जाकर वीडियो को देखोगे तो हमने एक एंगल टूल बनाया था, मतलब एंगल पंचिंग का टूल बनाया जिसमें कम से कम 5-6 तरह के एंगल आप यहाँ पे पंचिंग कर पाओगे। फिलहाल अगर इस डाई के रिगार्डिंग या कोई और भी जानकारी आपको चाहिए तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कर बताइएगा। अगर आपको इस तरीके का कोई भी टूल बनवाना तो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।